तो व्यूअर्स, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट सीनियर तरीन अदाकारा तलत सिद्दीकी इंतकाल कर गई। 85 साला तलत सिद्दीकी पिछले कई माह से अलालत का शिकार थी और उन्होंने कुछ माह कबल हकूमत पाकिस्तान से अमदाद की अपील भी की थी। तलत सिद्दीकी की तबीयत गुज़श्ता रात बिगड़ गई जो फिर संभल ना सकी। अदाकारा तलत सिद्दीकी 1939 को भारतीय शहर शिमला में पैदा हुई। तलत सिद्दीकी का असल नाम अदीबा नज़ीर था। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची से बतौर गुलूकारा अपने कैरियर का आगाज़ किया। खूबसूरत और जाज़बे नज़र होने की वजह से उनको पहली फिल्म छोटी बहन में बतौर अदाकारा काम करने का मौका मिला। जज्बाती अदाकारी में उनका कोई सानी नहीं था और वो अक्सर माँ का किरदार अदा किया करती थी। फिल्म साज उनको करेक्टर एक्टर के लिए परफेक्ट करार देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन उर्दू और पंजाबी ज़ुबान में बनने वाली 70 के करीब फिल्मों में मुख्तलिफ करेक्टर एक्टर किए। अदाकारा तलत सिद्दीकी ने कई दहाइयां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम और मुकाम बनाया, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से वो अलालत और बुढ़ापे की वजह से किसी भी शोबिज एक्टिविटी में नज़र नहीं आ रही थी। क्लासिकल रक्स की बदौलत बैनल क्वामी शोहरत की हामल नाहीद सिद्दीकी और अदाकारा व गुलूकारा आरफा सिद्दीकी की वालदा थी, जबकि गुलूकारा फरीहा परवेज की खाला थी। उन्होंने अपने कैरियर में फिर सुबह होगी, लोरी, बहन भाई, माँ बाप, इश्के हबीब, निकाह, अमराव जान अदा और अंदलीब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें।